हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बारिश के आते ही तबाहियों की भी खबर अब सामने आने लगी है। बरसात के तेज बहाव से आए पानी में डूबने से 120 भेड़ बकरियों की और मकान की दीवार गिरने से 5 भेड़ बकरियों के मलबे में दब जाने से मौत हो गई है। स्थानीय नगर के रायकी की ढाणे में शनिवार तथा रविवार को लगातार तेज हवाओं के साथ बरसात के बाद रात को बरसात के पानी के साथ तालाब ओवरफ्लो होकर तेज बहाव के साथ अचानक पानी में ताराराम पुत्र प्रभु लाल देवासी के मकान में 120 भेड़ बकरियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं उसी मोहल्ले में सवाराम पुत्र लक्षराम देवासी के मकान की दीवार गिरने से 5 भेड़ बकरी मलबे में दब गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों को जानकारी मिलते ही सरपंच दाखू देवी भील, ग्राम विकास अधिकारी जब्बर सिंह सोनीगरा, पटवारी दिनेश कुमार मारवार गोरवार, जनकल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह रानावत सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंच सांडेराव पुलिस को जानकारी देती है। सूचना के बाद सांडेराव पुलिस दल मौके पर पहुंचती है। स्थिति से अवगत होकर सांडेराव हनवत सिंह और कोसे लाल से डॉक्टर रामेश्वर चौधरी पशु चिकित्सकों की टीम को बुलवाया जाता है और मृत भेड़ बकरियों का पोस्टमार्टम करवाकर सभी को जेसीबी मशीन से गड्ढा करवाकर उसमें डलवा दिया जाता है। जागरूक टीवी के लिए सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।